तो SEO स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले पहले हमें सर्च इंजन की वर्किंग समझनी पड़ेगी कि बेसिकली हमें ये तो पता हो कि जिस मतलब सर्च इंजन के लिए हम इतना ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, पहले वो सर्च इंजन काम कैसे करता है और एक्चुअल में वो सर्च इंजन है क्या। जब तक वो नहीं समझ में आएगा तो हम आगे मूव नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम सबसे पहले पहले ये समझेंगे। और मेरा जो ये इंट्रोडक्टरी मॉड्यूल है जिसमें मैं आपको सर्च इंजन की वर्किंग एक्सप्लेन करूंगा या SEO क्या है वो एक्सप्लेन करूंगा, SEO के जो प्रोसेसेस है उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, तो ये सारे PPT बेस्ड मॉड्यूल रहेंगे। इसमें मैं एक PPT के थ्रू आपको कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन करूंगा। फिर उसके बाद फर्दर जो मेरे मॉड्यूल्स आएंगे उन सारे मॉड्यूल्स में हम प्रैक्टिकली एक वेबसाइट लेंगे और उस वेबसाइट के सारे एलिमेंट्स को ऑप्टिमाइज करेंगे एज पर SEO एल्गोरिदम्स। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले पहले स्टार्ट करते हैं सर्च इंजन वर्किंग। सर्च इंजन वर्किंग समझने से पहले हमें सबसे पहले पहले ये समझना चाहिए कि सर्च इंजन क्या है। तो सर्च इंजन बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। अब इसे हम कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक सर्च इंजन बेसिकली हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स का डेटा लेके बैठा है और उस डेटा के बेस पे रिजल्ट्स दे रहा है। तो इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स डिजाइन टू सर्च एंड इन्फॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब एंड प्रोवाइड यूजर्स द बेस्ट रिजल्ट्स इन फास्टेस्ट पॉसिबल वे। मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, तो उसी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर में आप इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं और वो आपको विद इन सम मिली सेकेंड इन्फॉर्मेशन आपको शो कर देता है। तो बेसिकली ये एक सर्च इंजन है। अब सर्च इंजन कौन कौन से टाइप्स के, मतलब सर्च इंजन कौन कौन से जो कॉमन चल रहे हैं, तो अगर हम बात करें तो सबसे कॉमन सर्च इंजन है गूगल, जिसका मतलब मेरे को नाम बताने की भी नीड नहीं है। फिर उसके बाद कुछ और सर्च इंजन से जैसे बिंग है, याहू है, AOL है, बट 70 to 80% जो इंटरनेट यूजर्स हैं वो जनरली गूगल ही यूज करते हैं। तो ओवरऑल आपको सर्च इंजन समझ में आया होगा कि सर्च इंजन क्या है। बेसिकली हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन फाइंड करने का एक मैकेनिज्म है जिसमें हम हमारी कोई भी क्वेरी डालते हैं या कोई भी कीवर्ड्स डालते हैं तो उस कीवर्ड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड करता है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कैसे करता है ये हम कैसे समझेंगे, ये हम समझेंगे सर्च इंजन की वर्किंग के थ्रू। तो वर्किंग की अगर हम बात करें तो सर्च इंजन ये इंफॉर्मेशन शो करने के लिए काफी सारी प्रिपरेशन करता है। जो आप एक क्लिक सर्च, एक क्लिक जो करते हैं कि सर्च, और सर्च में वो इतनी आपको प्रिसाइज और क्वालिटी रिजल्ट्स देता है तो उसके पीछे उसकी सारी प्रिपरेशन है। उस प्रिपरेशन को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले पहला जो पार्ट है दैट इज क्रॉलिंग, सेकेंड जो पार्ट है उसको हम कहते हैं इंडेक्सिंग, और थर्ड पार्ट है जो सबसे मेजर पार्ट जिसके लिए हम ये सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं दैट इज रैंकिंग। तो आइए समझते हैं इन तीनों पार्ट्स को। सबसे पहले पहले अगर हम क्रॉलिंग की बात करें तो क्रॉलिंग क्या है, तो सर्च इंजन्स जो इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम हैं, जो इतने कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स हैं, इनके पास काफी सारे स्कैनर्स होते हैं। स्कैनर्स बोले तो वो बेसिकली यही काम करते हैं कि अलग अलग जो इंफॉर्मेशन पूरे इंटरनेट पे पब्लिकली अवेलेबल है उसे स्कैन करते जाओ, उसे देखते जाओ कि कहाँ का क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो ये जो स्कैनर्स होते हैं इनको हम क्रॉलर्स भी कहते हैं, और इस पूरी एक्टिविटी को हमने कहा है क्रॉलिंग। मतलब सर्च इंजन क्या कर रहे हैं, सर्च इंजन का एक पार्ट या स्कैनर जो है वो अलग अलग जगह जाके अलग अलग वर्ल्ड वाइड वेब पे जितनी भी जो वेबसाइट्स अवेलेबल हैं उन सब को स्कैन करते हैं कि उनके अंदर क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और उसी की पूरी लिस्ट जो स्कैन की उन सारी वेबसाइट्स की लिस्ट बनाते हैं। अब जब वो एक एक पेज पे जब विजिट करते हैं तो वो क्या करते हैं, उसके HTML कोड को, जितना भी जो पूरा कोड है उस कोड को स्कैन करते हैं, और उस कोड को स्कैन करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि पेज का स्ट्रक्चर क्या है, पेज किस टाइप का, मतलब तो उसमें कंटेंट किस टाइप का है, कंटेंट का मीनिंग क्या है, और ये कब क्रिएट हुआ था, क्या अभी रिसेंट में क्रिएट हुआ है या काफी पुराना है। इस तरह से वो काफी सारे एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं और पूरी क्रॉलिंग करते हैं। अब ये सब हम क्यों समझ रहे हैं, ये तो सर्च इंजन की वर्किंग है, इससे हमारा क्या लेना देना। हमें ये समझना पड़ेगा व्हाई क्रॉलिंग। तो सबसे पहली चीज, अगर हम कंसर्न है हमारी वेबसाइट गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे रैंक करे, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि गूगल हमारी वेबसाइट को अच्छे से एक्सेस कर पाए। तो
एक्सेस कैसे करेगा? क्रॉलिंग करके। तो इसीलिए हमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट पार्ट तो सर्च इंजन की वर्किंग का समझना था, दैट इज क्रॉलिंग। तो अब हम हमारी वेबसाइट पे इस तरह से जो एलिमेंट्स को ऑप्टिमाइज करेंगे कि गूगल अच्छे से क्रॉल कर पाए, वो हम आगे फर्दर टेक्निकल एसईओ में सीखेंगे। फिर एक चीज ये भी थी कि अगर आपकी वेबसाइट का कंटेंट ही नहीं आ पाएगा तो फिर गूगल रैंक कहाँ से करेगा। इसीलिए वी आर वेरी मच कंसर्न अबाउट क्रॉलिंग, और इसी क्रॉलिंग को हम टेक्निकल एसईओ में कवर करेंगे। और प्रैक्टिकली हम जो वेबसाइट के एलिमेंट्स हैं उनको ऑप्टिमाइज करके आपको शो करेंगे कि हमें इसे कैसे क्रॉलेबल बनाना है, कैसे इतना ऑप्टिमाइज्ड वर्जन बनाना है कि गूगल अच्छे से क्रॉल कर। फिर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंडेक्सिंग की। जब गूगल में हमारे पास का मतलब है गूगल सर्च इंजन के पास अगर इतना सारा इंफॉर्मेशन उसने क्रॉल करके इकट्ठा कर लिया है तो वो क्या करेगा? सिंपल सी बात है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, जब तक उसे अच्छे प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में बेस्ट रिजल्ट देना है तो बेस्ट रिजल्ट के लिए उसे जो सारी इंफॉर्मेशन है उसे पूरा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज करने के बाद उस सारी इंफॉर्मेशन को सॉर्ट करना पड़ेगा, और सॉर्ट करने के बाद वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, क्योंकि स्टोर करेगा तभी वो विद इन सम मिली सेकेंड हमें वो इंफॉर्मेशन दे पाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है इसका इंडेक्सिंग वाला पार्ट। गूगल का जो पूरा इंडेक्स है जिसमें वो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स को जो स्टोर करता है वो सारा पार्ट वो गूगल अपने इंडेक्स में शो स्टोर करता है। तो इंडेक्स करने से पहले वो सारी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करेगा। मान लीजिए मूवीज से रिलेटेड वेबसाइट्स है उनको एक जगह, मान लीजिए स्टडी से रिलेटेड वेबसाइट है उनको एक जगह। तो ये सारा पार्ट क्या होता है? इंडेक्सिंग। मान लीजिए आप हमारे अपने कॉलेज की लाइब्रेरी को इमेजिन कीजिए, जहां आपके मैनेजमेंट की बुक्स एक जगह, मैथ्स की बुक्स एक जगह, इंग्लिश की बुक्स एक जगह। मान लीजिए अगर वो सारी बुक्स मिक्स्ड एक तरह से पूरा बंडल बन गया, लाखों बुक्स एक साथ है, अब उसमें अगर आपको कहा जाए आर डी शर्मा की मैथ्स की बुक्स निकालिए, क्या आप निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो वो तो लाख बुक्स है, यहाँ पे करोड़ और बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स है। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन किया कि ये कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम है, सर्च इंजन एक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम है। तो ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये करोड़ों वेबसाइट्स के डेटा को पहले ऑर्गेनाइज करता है, फिर सॉर्ट करता है, फिर स्टोर करता है। अब वापस वही बात, हम क्यों इंडेक्सिंग समझ रहे हैं, हम क्यों इंडेक्सिंग समझ रहे हैं? तो सिंपल सी बात है, अगर आपकी वेबसाइट गूगल के सर्च इंडेक्स में नहीं है तो इसका मतलब क्या है? वो कहीं पे भी सर्च में विजिबल नहीं होगी। तो आप इसीलिए इंडेक्सिंग के बारे में फोकस करें। और हम भी आगे जो हमारी टेक्निकल एसईओ वाला जो मॉड्यूल होगा उसमें हम फोकस करेंगे कि इंडेक्सिंग हो पा रही है या नहीं हो पा रही हमारी वेबसाइट। और जनरली सर्च जो इंजन्स हैं वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कि पूरी वेबसाइट का इंफॉर्मेशन स्टोर कर लिया, फिर तो उसके पास डेटा ही मतलब स्टोर करने के लिए स्पेस नहीं होगी। वो मेनली हर वेबसाइट के कुछ एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं जिससे क्या है वो डेटा शो करता है। वो एलिमेंट्स क्या है? जैसे सबसे पहले पहले वेबसाइट के जो जो पेजेस हैं उनके टाइटल और डिस्क्रिप्शन, कंटेंट किस टाइप का है, लेट्स से कंटेंट एनिमल्स से रिलेटेड कंटेंट है तो उनको समझ में आ जाएगा कि वो स्कैन करेंगे पूरा, अच्छा ये एनिमल से रिलेटेड है, फूड से रिलेटेड, अच्छा ये फूड से रिलेटेड कॉन्टेंट है। फिर उससे रिलेटेड एसोसिएटेड कीवर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं, वो सारे कीवर्ड्स को देखेंगे। फिर जो मेन चीज कि आपकी वेबसाइट को कितने यूजर्स लिंक कर रहे हैं, मतलब कितने यूजर्स दूसरे यूजर्स अपनी वेबसाइट में आपकी वेबसाइट का लिंक डाल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि गूगल देखता है कि आपकी वेबसाइट कितनी फेमस है। तो ये सारा पार्ट वो देखेंगे, नंबर ऑफ इनकमिंग लिंक्स, कितने लिंक्स आपकी वेबसाइट की तरफ आ रहे हैं बाहर से। तो ये सारी चीजें इंडेक्सिंग वाले फेज में गूगल या कोई भी सर्च इंजन देखेगा। फिर इंडेक्सिंग हो गई एक बार, अब मेन पार्ट आता है रैंकिंग, जो आप देखते हैं फर्स्ट रिजल्ट, सेकंड रिजल्ट, थर्ड रिजल्ट, फर्स्ट पेज का फर्स्ट रिजल्ट, फर्स्ट पेज का सेकंड रिजल्ट, फर्स्ट पेज का थर्ड रिजल्ट, वो कैसे आता है? बेसिकली वो आता है सर्च इंजन के एल्गोरिदम से। एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रूल्स है, वो सेट ऑफ रूल्स जो डिसाइड करते हैं एक पर्टिकुलर, जो आपने सारा डेटा इंडेक्स किया है कौन सा फर्स्ट पेज पे आएगा कौन सा सेकंड पेज पे आएगा। इंडेक्सिंग में आपका डेटा तो सारा इंडेक्स हो गया, मतलब आपकी वेबसाइट तो पूरी इंडेक्स हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब फर्स्ट पेज पे आएंगे। तो ये कौन डिसाइड करता है? ये सारी डिसाइड जो है
एल्गोरिदम करता है। बेसिकली ये इंचार्ज होता है पूरे सर्च इंजन का शो करने के लिए कि कौन सी वेबसाइट किस पेज पे शो करनी। अब एल्गोरिदम का भी प्रोसेस होता है। एल्गोरिदम पहली चीज तो ये है, एक वेब जो वेब पेज है उसे रैंक करने के लिए 255 रूल्स को कंसिडर करता है, 255 या उससे ज्यादा, और ये टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है। जैसे जैसे अपडेट होता रहता है तो रूल्स बढ़ते जाते हैं। इन रूल्स के बेसिस पे ही आपकी वेबसाइट रैंक होती है। अब ये रूल्स क्या हैं, ये आगे हम एसईओ में पढ़ेंगे जब हम इसकी कैटेगरीज पढ़ेंगे, लेट से टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। अभी आपको ये समझना है कि एल्गोरिदम क्या है। तो एल्गोरिदम बेसिकली सेट ऑफ रूल्स हैं, वो रूल्स देखते हैं कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट या ये पर्टिकुलर वेबसाइट का जो पेज है ये क्या फर्स्ट पेज पे रैंक होने के लायक है या नहीं है, सेकंड पेज पे या फर्स्ट पेज के सेकंड उस पे सेकंड पोजीशन पे रैंक होने के लिए कैपेबल है या नहीं है। तो ये काम किसका होता है, रैंकिंग एल्गोरिदम का। अब रैंकिंग एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, सबसे पहले पहले वो यूजर की क्वेरी को एनालाइज करेगा कि यूजर पर्टिकुलरली सर्च क्या कर रहा है। यूजर की क्वेरी को एनालाइज करने के लिए वो क्या करेगा, वो यूजर की क्वेरी को ब्रेक करेगा ऑन द नंबर ऑफ कीवर्ड्स। लेट से मैंने कहा कि केक बेकिंग रेसिपी, तो वो क्या करेगा, केक रेसिपी बेकिंग, तीनों वर्ड्स को अलग अलग ब्रेक करेगा और फिर उसके हिसाब से देखेगा कौन से पेजेस में ये सारा कंटेंट अवेलेबल है, फिर उसी के रिगार्ड्स में वो शो करेगा। तो पहला पार्ट तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि यूजर की क्वेरी को एनालाइज करना। वो क्वेरी को एनालाइज कैसे करता है रैंकिंग एल्गोरिदम, उस पूरी क्वेरी को पर्टिकुलर कीवर्ड्स में ब्रेक करके एनालाइज करता है। एक बार एनालिसिस हो गया तो उससे रिलेटेड मैचिंग पेजेस देखेगा। अब मैचिंग पेजेस में कैसे वो फाइंड करेगा, तो उसके लिए वही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो मैंने आपको पहले बताया था, इंडेक्स करते टाइम वो इंडेक्स करता है, जैसे कि रेलेवेंसी ऑफ कॉन्टेंट एंड टाइटल, टाइटल क्या कह रहा है, टाइटल से रिलेटेड जो उन्होंने कीवर्ड्स ब्रेक किए क्या उससे रिलेटेड कोई टाइटल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। टाइटल मिल गया तो वो उसके अंदर फर्दर मूव करेगा कि वो उससे रिलेटेड पेजेस है या नहीं है। पेजेस अगर मिल गए तो उसके बाद वो वेब पेज की क्वालिटी देखेगा, उसमें बैकलिंक्स कितने हैं, कितने लोग उस पर्टिकुलर पेज को रेफर कर रहे हैं। फिर तो उसके बाद डेट देखेगा, अगर न्यूज रिलेटेड क्वेरी है तो बट नेचुरल सी बात है वो डेट देखेगा कितनी फ्रेश न्यूज है। फिर उसके बाद वो देखेगा उस पेज की पॉपुलैरिटी कितनी है। तो इस तरह से काफी सारे फैक्टर्स पे वर्क करेगा और मैचिंग पेजेस निकालेगा। अब जो मैचिंग पेजेस आ गए तो उसी को वो रिजल्ट्स में शो कर देगा। बट रिजल्ट्स के साथ साथ जनरली 10 ऑर्गेनिक रिजल्ट्स रहते हैं, तो उसके साथ और अदर एलिमेंट्स रहते हैं, जैसे गूगल एड्स आपको शो करता है सर्च पे जब भी आप सर्च करते हैं। फिर गूगल एड्स के अलावा कुछ डायरेक्ट आंसर्स शो करता है, डायरेक्ट आंसर्स के बाद कुछ स्टोरीज और ट्वीट्स शो करता है, जो न्यूज रिलेटेड अगर क्वेरीज होती है उसमें स्टोरीज और ट्वीट्स भी शो करता है। फिर कुछ वीडियोज भी शो करता है जब आप सर्च करते हैं तो, और उससे रिलेटेड आप बॉटम में देखेंगे, सबसे बॉटम में तो आप देखेंगे कि रिलेटेड सर्चेस भी शो करता है। इस तरह से पूरा इसका सर्च इंजन की जो वर्किंग रहती है। तो एंड में अगर मैं सम अप करूं तो सम अप में आपको मैं यही बताना चाहूंगा कि हमने सर्च इंजन वर्किंग के बारे में पढ़ा। पहले हमने ये पढ़ा कि सर्च इंजन होते क्या है, तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स जिनका मेन एम ये होता है कि सर्च प्रेजेंट करना यूजर को और कम से कम टाइम में। फिर हमने सर्च इंजन की वर्किंग पढ़ी, तो वर्किंग में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि सर्च इंजन वर्किंग बेसिकली कुछ प्रोसेसेस हैं और ये सारी प्रिपरेशन, वो मतलब जो रिजल्ट शो करने के लिए जो प्रिपरेशन करता है, उस प्रिपरेशन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें हमने सबसे पहला पार्ट समझा क्रॉलिंग, सेकेंड पार्ट समझा इंडेक्सिंग और थर्ड पार्ट समझा रैंकिंग। तो ओवरऑल ये थी आपकी सर्च इंजन की वर्किंग। अब एक इसका छोटा सा इलस्ट्रेशन हम आगे देख लेते हैं। तो इलस्ट्रेशन में आप देखेंगे कि जैसे ये पूरा वर्ड www जो वेबसाइट्स है, ये सारी वेबसाइट्स ये यहाँ पे क्रॉल कर रहा है। कौन क्रॉल कर रहा है, क्रॉलर क्रॉल कर रहा है। अब क्रॉलर क्रॉल कर रहा है तो उसके बाद सारा डेटा कहाँ जा रहा है, लोकल सर्वर में जा रहा है, इंडेक्सर उसे इंडेक्स कर रहा है। जब इंडेक्सर उसे इंडेक्स कर रहा है तो उसके बाद जो सारा डेटा है वो रैंकिंग एल्गोरिदम में जा रहा है। अब रैंकिंग एल्गोरिदम क्या कर रहा है, रैंकिंग एल्गोरिदम इसके हिसाब से रैंकिंग प्रोवाइड कर रहा है। जब एक बार वो रैंकिंग प्रोवाइड कर रहा है तो सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे यूजर जो है कीवर्ड्स के बेसिस पे डेटा देख पा रहा है। तो ओवरऑल ये सर्च इंजन की पूरी वर्किंग थी। और रैंकिंग एल्गोरिदम में जैसे मैंने आपको बताया कि काफी सारे अपडेट्स भी आते हैं, जैसे ये पुराना अपडेट है, बट रैंकिंग एल्गोरिदम में एवरी टाइम कुछ नए अपडेट्स आते हैं और उन अपडेट्स के बेसिस पे वो वेबसाइट को
रैंकिंग चेंज भी करते हैं। कई बार आपने अपनी वेबसाइट को एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली अपडेट नहीं किया तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग नीचे भी जा सकती है। तो ओवरऑल अभी के लिए इतना ही, और मेरे जो इंट्रोडक्टरी वाले लेसन्स रहेंगे वो मैं आपको वापस से बता दूं, इसी टाइप के रहेंगे। एक बार ये मैं मॉड्यूल कवर कर लूं जिसमें मैं आपको ये सारी एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कर लूं, उसके बाद मैं फर्दर मूव करूंगा जिसमें हम एक वेबसाइट लेंगे और उस वेबसाइट का पूरा एसईओ करेंगे, टेक्निकल एसईओ करेंगे, ऑन पेज एसईओ करेंगे और ऑफ पेज एसईओ करेंगे। थैंक यू।